हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पूछा गया है UPSC 2023 में। काफ़ी कमाल का प्रश्न पूछा गया है। यदि ABC और DEF दोनों तीन अंक की संख्याएं हैं, जैसे कि ABCDE और F अलग अलग गैर शून्य अंक हैं, जैसे कि ABC प्लस DEF बराबर 1111, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस EF का मान क्या होगा? तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ABCDE और F अलग अलग गैर शून्य अंक हैं। इसका मतलब क्या है? यानी ABCDE F इसका मान जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी हो सकता है, बस इन सभी का मान जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ABCDE और F अलग अलग गैर शून्य अंक हैं, यानी इन सभी का मान जो है 1 से लेके 9 तक हो सकता है। ठीक है, इनका मान ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको दिया गया है ABC प्लस DEF, ABC इसमें जोड़ना है DEF। ठीक है, तो क्या आया है आपका 1111। ठीक है, अब यही कैसे आया है, यही आप लोगों को फाइंड करना है। इसी को अगर आप लोग फाइंड कर लेंगे तो आप लोग जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इसका मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी है और एफ है, सी है और एफ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ पे देखिए एक आया है। ठीक है, तो सी और एफ के स्थान पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर 0 1 लेते हैं तो एक आ जाएगा, लेकिन 0 तो लेना ही नहीं है, किसी का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। तो सी के स्थान पे 0 भी नहीं रख सकते और एफ के स्थान पे भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है, यानी अब यहाँ पे एक कैसे आएगा? 9 2 11 तब एक आ सकता है, या तो 8 3 11 तब एक आ सकता है, 7 4 11 ठीक है, 6 5 11 ठीक है। तो ये सभी संख्याएँ हैं 9 2 8 3 7 4 6 5, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर एक आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब क्या है, सी प्लस एफ इसका मान किसके बराबर है? 11 के बराबर है, यानी यहाँ पे 11 आएगा तभी जो है यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी प्लस एफ का मान तो हो गया 11। ठीक है, अब देखिए सी प्लस एफ का मान तो हो गया 11। अब इस लाइन को देखिए, बी प्लस ई, बी प्लस ई को जोड़ने पर क्या आएगा? 10 आना चाहिए, और 10 में 1 जोड़ेंगे तभी यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, यानी बी प्लस ई के स्थान पर क्या होगा? बी प्लस ई इसका मान क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, जैसे सी प्लस एफ का मान 11 आ गया, 11 का 1 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा। बी प्लस ई जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तभी आपका 11 आएगा, यानी बी प्लस ई जो है 10। इसी प्रकार ए प्लस डी इसका भी मान होगा 10। ठीक है, सी प्लस एफ इसका मान होगा 11। ठीक है, और बी प्लस सी, बी प्लस ई इसका मान होगा 10, ए प्लस डी इसका मान हो जाएगा 10। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, सी प्लस एफ, सी प्लस एफ यहाँ पे आना चाहिए 11, तो सी प्लस एफ इसका मान आएगा 11, 11 का 1 लिखेंगे, तो बी प्लस ई के स्थान पे क्या आएगा? 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तभी आपका 11 आएगा, यानी कह सकते हैं सी प्लस एफ 11, बी प्लस ई 10, ए प्लस डी 10। तो सी प्लस एफ इसका मान आ चुका है, ठीक है, और बी प्लस ई इसका भी मान आ चुका है, और ए प्लस डी इसका भी मान आ चुका है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यही है आपका ABCDEF, इसी का मान भी याद करना है। ठीक है, तो यानी एक मान आपका आया है 11, सी प्लस एफ आपका आया है 11, बी प्लस ई 10, ए प्लस डी 10, तो कितना आ जाएगा आपका? 31। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका 31 आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सवाल पूछी गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।